You know what I do when I have a bad dream? फिर से स्वागत है आप सभी का स्टेकअप मूवीज में। मेरे कहने के मुताबिक आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ट्रायंगल की तरह ही दिमाग घुमा देने वाले कुछ लूप मूवी। अगर आप लोगों ने इसका पहला वीडियो यानी कि रिपीटिंग डेजाबू वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवल या फिर टाइम पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ लूप वाले मूवी को ही कवर किया जाएगा क्योंकि ज्यादातर टाइम ट्रैवल मूवी में टाइम लूप होता है, जैसे कि प्रीडेस्टिनेशन, टाइम क्राइम्स या फिर इन द शैडो ऑफ द मून जैसे कई सारे टाइम ट्रैवल मूवीज हैं। अगर आपको ये सारे मूवी चाहिए तो आप मेरे टाइम ट्रैवल वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये काउंटडाउन। आठवें नंबर पे है 2005 का द जैकेट। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक सोल्जर के बारे में बताया गया है जिसे कि भूलने की बीमारी थी। ये एक बार एक क्राइम सीन में पाया जाता है और इसे जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। वहाँ पे इलाज के दौरान इसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं। वहाँ पे इसे कई सारे विजन आने लगते हैं, कुछ कुछ विजन इसके सच होने लगते हैं और वहाँ पे एक लूप बन जाता है। सातवें नंबर पे आता है 2012 का माइंड गेम्स। कुछ दोस्तों का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने के लिए अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहे थे, लेकिन बीच में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और ये जैसे तैसे पैदल चल के उस घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पास में एक माइंस भी था, लेकिन ये जगह जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी। ना जाने यहाँ पे कितने सारे मिस्ट्री छिपे हुए थे। इनको पता ही नहीं था कि ये लोग कब से एक लूप में फंस गए हैं। इनके साथ आगे क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। छठे नंबर पे आता है 222। वैसे तो ये कोई लूप मूवी नहीं है, लेकिन इस मूवी के जो इवेंट होंगे वो हर दिन किसी फिक्स टाइम में रिपीट होते जाते हैं। हर दिन 2:22 में एक अनोखा चीज देखने को मिलता है। तो आखिर ये 2:22 में क्या होगा, ये आप मूवी देख के पता लगाइए। पांचवें नंबर पे आता है 2013 का +1। ये एक रेयर मूवी है। ये मूवी आपको कहीं पे भी आसानी से नहीं मिलेगी। इस मूवी का टोरेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और ये टोरेंट से मूवी कैसे डाउनलोड करते हैं ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी में एक जगह में एक पार्टी चल रही थी, फिर एक इलेक्ट्रिक टावर में एक ग्लिच होने लगता है। ये सिग्नल धीरे धीरे उस जगह तक पहुँच जाता है, फिर इन लोगों के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे है 2006 का मूवी डेजाबू। अगर आप कोई नई जगह में जाते हैं या फिर कोई नई चीज करते हैं और आपको लगता है कि ये चीज पहले से हो चुकी है तो इस चीज को डेजाबू कहा जाता है। इस मूवी में एक बड़ा सा शिप ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पे कई सारे लोग मारे जाते हैं। उस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक FBI एजेंट को भेजा जाता है। ये स्नो व्हाइट नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद से उस एक्सप्लोजन की जाँच करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पे है इन द टॉल ग्रास। ये भी एक परफेक्ट लूप मूवी है। इस मूवी का पहला 30-40 मिनट आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब इस मूवी का लूप आपके सामने रिवील होगा ये मूवी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये कहानी है कुछ लोगों की जो कि एक घास के मैदान के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन ये कोई आम घास का मैदान नहीं था। इसके अंदर कई सारे अनोखे चीजें होती थी। एक बार अगर जो इसके अंदर आ गया तो वापस लौटना यहाँ से लगभग नामुमकिन था। तो आगे देखिए ये लोग उस लूप में फंसने के बाद क्या करते हैं। दूसरे नंबर पे मैं रखा हूँ 2009 का ट्रायंगल को। इस मूवी को तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो इस मूवी को आप जरूर देखिए। इस मूवी का पहला 40 मिनट आपको किसी हॉरर मूवी जैसा लगेगा, लेकिन जब ये क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएगा इसकी मिस्ट्री आपके सामने थोड़ा थोड़ा रिवील होता जाएगा और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस मूवी में क्या क्या होता है ये आप मूवी देखिए और पता कीजिए। अभी पहले नंबर पे है 2014 का द इनफिनाइट मैन। वैसे तो इस मूवी में टाइम ट्रैवल यूज हुआ है, लेकिन इस मूवी में इतना गजब का लूप है कि मुझे इस मूवी को ऐड करना पड़ा। एक साइंटिस्ट अपने एनिवर्सरी को बेहतर बनाने के लिए एक टाइम मशीन बनाया था। उस डिवाइस को यूज करने के बाद इनके साथ एक पैराडॉक्स बन जाता है और ये लोग एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। इस मूवी का टाइम लूप इतना ज्यादा पेचीदा है कि अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग जरूर घूम जाएगा। इन सारे मूवी को आप जरूर देखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।